अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी तैयारी अनअकैडमी प्लस से करिए। अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करिए, अपना एग्जाम चूज करिए और उसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन पर करने के बाद आपको रेफरल कोड की जगह डिस्काउंट कोड एंटर करना है PMYT। ये डिस्काउंट कोड एंटर करते ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा और ये डिस्काउंट कोड पूरे अनअकैडमी पर वैलिड है, भले ही आप यूपीएससी, एसएससी, बैंक, सीडीएस, एनडीए, स्टेट पीएससी, यूजीसी, आईआईटी, नीट किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, PMYT ये डिस्काउंट कोड लगाइए, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। वेलकम गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो गए, सबकी प्रिपरेशन काफी ज्यादा अच्छी चल रही होगी। गाइस यहाँ पे इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम से रिलेटेड। गाइस यहाँ पे आपकी एग्जाम एजेंसी को फिर से चेंज किया जा रहा है, तो गाइस इसी से रिलेटेड ऑफिशियल अपडेट है। यहाँ पे न्यू टेंडर रिलीज कर दिया गया है न्यू एजेंसी को रिक्रूट करने के लिए। तो अब आपकी यहाँ पे कौन सी एजेंसी एग्जाम लेगी, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। गाइस आप देख सकते हो ये न्यू टेंडर के लिए यहाँ पे रिलीज किया गया है डॉक्यूमेंट, ये भी यहाँ पे आरआरबी भोपाल की तरफ से रिलीज किया गया है, जो की 1 तारीख को यहाँ पे रिलीज किया गया है। अब गाइस यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन सी यहाँ पे कंपनीज है जिनके यहाँ पे जिन्होंने टेंडर फाइल किया है, एंड वो ही यहाँ पे आपके आप एग्जाम उनमें से ही कोई एक एजेंसी एग्जाम कंडक्ट कराएगी। तो सबसे मेन तो इसमें यहाँ पे TCS है गाइस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है, एंड मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे इन्हीं को ही ये टेंडर दिया जाएगा, बाकी कुछ कहा भी नहीं जा सकता है। बाकी दो और भी है जिसमें है MEL ट्रेनिंग एंड असेसमेंट लिमिटेड, मुंबई की कंपनी है ये, एंड दूसरा है यहाँ पे मेरिट ट्रैक कंपनी करके है गाइस। ये 3 कंपनियां जो है यहाँ पे इन्होंने टेंडर फाइल किया है, तो गाइस अब इन तीनों कंपनियों में से ही कोई आपका एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट कराएगी। लेकिन यहाँ पे अब NSEIT आपका एग्जाम नहीं कंडक्ट कराने वाली है, उसको उससे टेंडर वापस ले लिया गया है। अब यहाँ पे इन तीनों कंपनियों में से ही कोई आपका एग्जाम कंडक्ट कराएगी। अब बात आती है गाइस यहाँ पे आप लोग सोचोगे कि इसमें तो एग्जाम डिले हो जाएगा, तो गाइस अभी तक तो कोई भी चांसेस ऐसे नहीं है एग्जाम डिले होने के, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो जिन्होंने ड्यू डेट दी है वो यहाँ पे 6 तारीख दी है, 6 मई तक यहाँ पे फाइनल हो जाएगा कि कौन सी एग्जाम एजेंसी आपका एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट कराएगी। तो इसीलिए जुलाई इन्होंने आपको टेंटेटिव मंथ दिया हुआ है, तो जुलाई के अंदर ही आपका एग्जाम यहाँ पे टाइमली कंडक्ट हो जाना चाहिए। अगर यहाँ पे 6 तारीख को फाइनल डिसीजन आ जाता है 6 मई को कि कौन सी कंपनी आपका यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट कराने वाली है, तो होप सो गाइस आपको सारी चीजें पता चल गई होंगी कि अब एग्जाम एजेंसी NSEIT नहीं रही है, कौन सी यहाँ पे एजेंसी एग्जाम ले सकती है वो भी मैंने आपको बता दिया है, कब तक ये मैटर सॉल्व होगा वो भी बता दिया है, और एग्जाम में डिले होगा या नहीं। तो अभी तक तो कुछ भी डिले मान के मत चलिए, क्योंकि टाइमली ही सारे वर्क हो रहे हैं, तो टाइमली ही ये वर्क भी कम्प्लीट हो सकता है। साथ ही दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अपनी प्रिपरेशन अनअकैडमी प्लस के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप लोग PMYT कोड का यूज कर सकते हैं। गाइस PMYT कोड जितनी भी कैटेगरीज अनअकैडमी ऐप के ऊपर उन सभी के लिए वैलिड है, वेदर इट इज UPSC, SSC, बैंक, रेलवे, CDS, FKH, CPF, स्टेट PSC, UGC, नेट, IIT, JEE, NEET। तो अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप अपनी प्रिपरेशन अनअकैडमी प्लस के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए PMYT कोड का यूज कर सकते हैं। चलिए गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट।